पिछले पार्ट में हम चर्चा कर रहे थे कियोलिनाइट समूह के बारे में, मांट मोरिलोनाइट समूह के बारे में, यानी कि जो सिलिकेट मृतिका थी उसके खनिजन और रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कियोलिनाइट के बारे में भी पढ़ लिया था और मांट मोरिलोनाइट समूह के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करेंगे, नंबर तीन आता है इलाइट समूह या हाइड्रस माइका समूह। इलाइट समूह या हाइड्रस माइका समूह क्या है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका रासायनिक संगठन क्या है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इलाइट या हाइड्रस माइका समूह की बात करें तो खनिज की बात कर लेते हैं कि भाई खनिज कौन सा पाया जाता है। तो इसमें जो खनिज पाया जाता है, इलाइट खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज है? इलाइट खनिज पाया जाता है। उसके बाद में दूसरा नाम इसका हाइड्रस माइका समूह भी कहते हैं। इसके अलावा कणों की बात करें तो जो कण पाए जाते हैं, यानी कि जिस प्रकार से मांट मोरिलोनाइट समूह के कण क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर के बने थे, इसी प्रकार इलाइट के जो कण हैं वो भी कौन सी इकाइयों से मिलकर के बने हुए हैं? क्रिस्टलीय इकाई से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद में तीसरी अगर हम बात करें तो मांट मोरिलोनाइट समूह की तरह ही इसका जो अनुपात होता है 2:1 होता है, यानी कि प्रथम परत तो पाई जाती है सिलिका की, जो फर्स्ट लेयर है प्रथम परत सिलिका की। उसके बाद में जो द्वितीय परत पाई जाती है एलुमिना की, और तीसरी परत पाई जाती है यानी कि तृतीय परत है वो किसकी पाई जाती है? वापस से सिलिका की। तो फर्स्ट परत की बात की, फर्स्ट लेयर सिलिका, सेकंड लेयर एलुमिना, और जो तृतीय लेयर है वो किसकी पाई जा रही है? सिलिका की पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसी कारण इसको 2:1 टाइप संरचना भी कहते हैं। संरचना कौन सी बोली? 2:1 टाइप संरचना कहा जाता है। इसके जो कण होते हैं, यानी कि जो इलाइट समूह है, इलाइट समूह के कण हैं मांट मोरिलोनाइट समूह से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कणों के आकार की बात करें तो जो कणों का आकार होता है मांट मोरिलोनाइट समूह से क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये तो हो गया कणों का आकार मांट मोरिलोनाइट समूह से बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो एक इकाई है इलाइट समूह की, एक इकाई के बाद में जैसे ही दूसरी इकाई की पुनरावृत्ति होती है तो उन दोनों के मध्य में पोटेशियम समूह पाया जाता है, और पोटेशियम समूह पाए जाने के कारण इसके बीच की जो प्रसारीय दूरी है वो मांट मोरिलोनाइट से तो क्या होती है, यानी कि इससे तो होती है कम, और कियोलिनाइट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं संरचना सूत्र के बारे में। तो जो संरचना सूत्र है इसका, इलाइट समूह का जो संरचना सूत्र होता है, संरचना सूत्र सेम मांट मोरिलोनाइट की तरह ही है। मांट मोरिलोनाइट का सूत्र पढ़ा था हमने, कि जो Al4 होता है, Si8 होता है, ऑक्सीजन 20 होता है, और OH का होल 4 होता है। ये था मांट मोरिलोनाइट का। अब इलाइट में किसका क्या परिवर्तन हुआ है? केवल पोटेशियम ग्रुप आकर के जुड़ा हुआ है, तो इसमें केवल पोटेशियम और जुड़ जाता है, और इसका जो संरचना सूत्र बनता है वो बनता है पोटेशियम एलुमिनियम 4 सिलिकन 8 ऑक्सीजन 20 OH का होल 4। ये इसका क्या बनता है? संरचना सूत्र होता है। उसके ये तो हो गई इलाइट समूह या हाइड्रस माइका समूह के बारे में कुछ सामान्य सी बातें। उसके बाद में आता है कि जो सुघट्यता का गुण है, सुघट्यता के गुण की बात करें, उसके बाद में सहसंजन के गुण की बात करें। सुघट्यता सहसंजन हमने पार्ट थर्ड में पढ़ा था, सुघट्यता सहसंजन, उसके बाद में फैलाव व संकुचन।
इन गुणों की बात करें तो जो ये गुण है मॉन्टमोरिनोलॉइड समूह से तो क्या होते हैं, क्रम होते हैं, लेकिन जो केओलिनाइट समूह है केओलिनाइट समूह से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, सॉरी केओलिनाइट समूह से अधिक होते हैं। और लास्ट गुण आता है, लास्ट गुण की अगर हम बात करें, लास्ट गुण आता है इसमें सुगट्यता, सॉरी सुगट्यता तो हो गई, इसमें सरंध्रता और पारगम्यता की बात करें सरंध्रता और पारगम्यता का गुण भी मॉन्टमोरिनोलाइट से कम होता है और केओलिनाइट या हाइड्रस सॉरी केओलिनाइट समूह से क्या होता है, अधिक होता है। ये थी इलाइट समूह या फिर हाइड्रस माइका समूह के बारे में कुछ सामान्य सी बातें। अब बात करते हैं इसकी पंक्ति संरचना की भी, जो पंक्ति संरचना है वो किस प्रकार की होती है, किस तरीके से दिखाई देती है। तो पंक्ति संरचना की अगर हम बात करें तो पंक्ति संरचना में आता है भी जो परतें हैं, परतों की बात करें, परत कैसी दिखाई देती है, उन परतों के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम जो परत पाई जाती है, परत कौन सी पाई जा रही है, सिलिका की परत पाई जाएगी। बंधन की बात करें तो बंधन कौन सा पाया जाता है, दुर्बल ऑक्सीजन बंध पाया जाता है। तो ये परत हो गई हमारे पास में सर्वप्रथम सिलिका परत। उसके बाद में द्वितीय परत पाई जाएगी, द्वितीय परत भी दुर्बल ऑक्सीजन बंधों के द्वारा, ये किसकी पाई जाएगी, एलुमिना की परत है। तीसरी परत पाई जाती है वापस से किसकी, सिलिका की परत पाई जाती है। ये हो गई इलाइट समूह की एक इकाई। उसके बाद में जैसे ही दूसरी इकाई आती है तो उन दोनों यानी दूसरी इकाई के मध्य में जो पोटेशियम समूह पाया जाता है, उसके बाद में जो इकाई है तीसरी सॉरी दूसरी वो इकाई क्या होती है, शुरू होती है। और वही सेम तीन परतें पाई जाती हैं, प्रथम परत सिलिका परत, दूसरी परत एलुमिना परत और तीसरी परत सिलिका की परत पाई जाती है। उसके बाद में धनायन विनिमय की बात करें, धनायन विनिमय केवल बाहरी सतह पर ही होता है, यानी कि जो धनायन के जो कण हैं केवल बाहरी सतह पर आकर के क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं, इनका केवल बाहरी सतह पर ही क्या होता है, आदान प्रदान होता है। प्रसारीय दूरी की अगर हम बात करें तो प्रसारीय दूरी क्या होती है, कम पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ये क्या हो गया, धनायन विनिमय। ये समूह कौन सा है, पोटेशियम समूह है। उसके बाद में ये क्रिस्टलीय इकाइयां हैं, और ये बंध क्या है, ऑक्सीजन बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये हो गई इलाइट समूह है या फिर हाइड्रस माइका समूह की पंक्ति संरचना। इलाइट समूह के बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में मृतिका खनिज के महत्व। तो मृतिका खनिज के महत्व की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मृतिका खनिज के महत्व। मृतिका यानी कि क्ले जो खनिज है इसके क्या क्या महत्व है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मृतिका जो होती है मृदा का सक्रिय अवयव होती है, सक्रिय तत्वों के अंतर्गत यानी जो सक्रिय पार्ट है उसके अंतर्गत आती है। तो मृतिका की बात करें, मृतिका मृदा का क्या है, मृदा का सक्रिय अवयव होती है। उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी बात करते हैं कि भाई ये है मृतिका है मृदा के भौतिक
और रासायनिक, भौतिक व रासायनिक संगठन को प्रभावित करती है। भौतिक संगठन को भी प्रभावित करती है और रासायनिक संगठन को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके साथ ही ये मृदा की उर्वरता और जो क्षमता है उसको भी क्या करती है, प्रभावित करती है। अब मृतिका के महत्व की अगर हम बात करें कि मृतिका के महत्व कौन कौन से हैं, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम मृतिका के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है मृदा उर्वरता, उसके बाद में नंबर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम जल धारण क्षमता, उसके बाद में नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो आता है पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है धनायन विनिमय क्षमता, पांचवा पॉइंट आता है बंधक प्रभाव, उसके बाद में जो छठा पॉइंट आता है पोषक तत्वों का अधिशोषण। इन छह पॉइंटों के बारे में इसके अंतर्गत यानी जो मृतिका खनिज है, मृतिका खनिज में इनका हम अध्ययन करते हैं। पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि के बाद में आता है हमारे पास में पोषक तत्वों का अधिशोषण लास्ट। तो इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ले लेते हैं हम मृदा उर्वरता के बारे में। तो मृदा उर्वरता के बारे में बात करें तो जो मृतिका है, मृतिका में अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मृदा उर्वरता की बात करें, मृतिका के महत्व के बारे में, तो मृतिका खनिज है, मृतिका के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाएंगे तो ये पोषक तत्व पौधों को आसानी से प्राप्त होंगे, तो मृदा की जो उपजाऊपन क्षमता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मृदा में मृतिका की उपस्थिति से पोषक तत्वों की जो प्राप्यता है उसमें वृद्धि होती है, और पोषक तत्वों की प्राप्यता में वृद्धि होने से मृदा की उर्वरता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये था हमारे पास में पहला पॉइंट मृदा उर्वरता। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता की अगर हम बात करें, सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास में जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता की अगर हम बात करें तो जो मृतिका के कण हैं ये बहुत ही बारीक होते हैं, साथ ही इनके जो रंध्र हैं, रंध्रों का आकार भी कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। दो बातें पढ़ी हमने इसमें, कण कैसे हैं, बहुत ही बारीक हैं, साथ में रंध्रों का आकार कैसा है, बहुत ही छोटा होता है। अब कण भी बारीक हैं, रंध्रों का आकार भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये जल के जो अणु हैं या जल को हैं अधिक मात्रा में क्या करेंगी, ग्रहण करेंगी। जल को अधिक मात्रा में ग्रहण करने के कारण जो मृदा है, मृदा की जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण निक्षालन में भी क्या होती है, कमी होती है। यानी कि मृदा के अंदर निक्षालन क्या होता है, कम होता है, कम मात्रा में होता है। अब बात आती है निक्षालन किसे कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था निक्षालन के बारे में, इंग्लिश में इसको लीचिंग बोलते हैं। तो निक्षालन किसे कहते हैं कि मृदा के जो कोई भी ऊपरी सतह के जो तत्व हैं, या मृदा की अगर हम बात कर रहे हैं तो मृदा की ऊपरी सतह के जो तत्व हैं
उनका अंतःस्राव के द्वारा निचली सतह में जाना ही क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। यानी कि लीचिंग का सामान्य अर्थ बोल सकते हैं कि भाई घुलना है, कि जो ऊपर के जो प्रोडक्ट हैं वो घुल करके निचली सतह में चले जाए, वही क्या है, लीचिंग कहलाती है। तो मृतिका है, मृतिका के कण कैसे हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, साथ में रंध्रों का आकार भी छोटा होता है, जिसके कारण ये जल को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे, मृदा की जो जल धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी, जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, तो लीचिंग है, निक्षालन है, निक्षालन में भी क्या होती है, कमी आती है, और पौधों को जो जल है आसानी से क्या होता रहता है, प्राप्त होता रहता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। मृदा में, मृतिका के अंदर हम जानते हैं पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो जो क्ले है या मृतिका है, इसकी सतह पर कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, आयरन है, एल्यूमिनियम आयन आदि आयन क्या होते हैं, सतह पर क्या रहते हैं, ये अधिशोषित रहते हैं। इनका जो मृतिका की कण है, मृतिका की जो सतह है, उस पर क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। अधिशोषण होने से पोषक तत्वों के भंडारण में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे ये पौधों को आवश्यकता अनुसार क्या होते रहते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। सतह पर अधिशोषित होने का कारण हम जानते हैं, मृतिका की सतह पर कैसा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, पीछे काफ़ी बार पढ़ा हमने, तो नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा तो जो मृतिका की सतह है उस पर धनावेशित आयन, जैसे कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, सोडियम आयन है, पोटेशियम है, आयरन है, या फिर एल्यूमिनियम आयन है, ये क्या रहेंगे, अधिशोषित रहेंगे, अधिशोषण की प्रक्रिया होगी, चिपक जाएंगे सतह पर, चिपकेंगे, पोषक तत्वों की मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हो गई, तो पौधों को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार से पौधों को क्या होते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता की अगर हम बात करें तो मृतिका की उपस्थिति से मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होने के कारण क्ले कणे, जो क्ले के जो कण हैं, यानी मृतिका के जो कण हैं, उस पर अधिशोषित जो आयन है विनिमय के द्वारा मृदा विलयन में घुल करके पौधों को क्या होते रहते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। पीछे की जो स्टोरी है सेम वही स्टोरी, मृतिका के कणों पर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, धनावेशित आयन आकर के क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। तो जो जल धा, किसकी बात करें, धनायन विनिमय क्षमता, यानी कि कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CEC, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी। तो इसकी बात करें तो मृतिका की जो उपस्थिति है, मृतिका है, मृतिका की उपस्थिति से धनायन विनिमय क्षमता में क्या हो रही है, वृद्धि। धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होगी तो क्या होगा, क्ले कणे, जो क्ले के जो कण हैं उस पर अधिशोषित जो आयन है मृदा में पहुंचेंगे, मृदा में पहुंचेंगे तो पौधों को क्या होते रहेंगे, आसानी से प्राप्त होते रहेंगे। ये हो गया नंबर चौथा महत्व। पांचवें महत्व की बात करते हैं, पांचवा महत्व आता है बंधक प्रभाव। तो बंधक प्रभाव की बात करें, बंधक प्रभाव क्या होता है, मृतिका के जो कण हैं बहुत ही बारीक होते हैं, ये बात हम जानते हैं, पीछे पढ़ा है अभी, तो बहुत बारीक होते हैं, तो ये कण आपस में क्या होते हैं कि भाई सूक्ष्म कण हैं, मिलकर के बड़े कणों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब बड़े कणों का निर्माण हो गया, बड़े कणों के निर्माण होने के कारण ये बालू के जो कण हैं उनको आपस में बांधे रखने का काम करते हैं। बालू के कणों को आपस में बांधे रखने का काम करेंगे, रखने की काम करने के कारण मृदा की जो संगठन है या फिर भौतिक दशा है उसमें क्या आता है, सुधार आता है। ये हो गया बंधक प्रभाव।
उसके बाद में लास्ट आता है हमारे पास में कि भाई जो पोषक तत्वों का क्या है, अधिशोषण। पोषक तत्वों के अधिशोषण की अगर हम बात करें, मृतिका के जो कण हैं कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म होने के कारण इनका जो बाह्य क्षेत्रफल है यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होता है, अधिक होता है। और पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इन कणों पर साथ में ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश पाए जाने के कारण अधिक मात्रा में क्या कर लेते हैं, ये धनायनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और ये धनायन पौधों को आवश्यकता अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा पोषक तत्वों के अधिशोषण की, कि भी जो मृतिका है, मृतिका का जो कण है बहुत बारीक होते हैं, बारीक होने के कारण इनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था, अब इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है बिल्कुल बारीक है, यदि हम इसको चूर्णित अवस्था में ले आएँ तो ये इस आकार के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा स्थान घेरेगा, यानी कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सेम वही बात हम क्ले पर लागू होती है, मृतिका के ऊपर लागू होती है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है कैसे, बारीक कण होने के कारण। तो धनायन क्या होते हैं, सतह पर अधिक मात्रा में आकर के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और ये जो धनायन हैं ये पौधों को आवश्यकता अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। तो ये थे हमारे पास में जो मृतिका खनिज है, मृतिका खनिज के जो महत्व है, उन महत्वों में हमने पढ़ा कि भी मृतिका के कारण मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, शॉर्ट में बात करें। दूसरा, मृतिका के कारण ही मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, निक्षालन में भी कमी आती है। उसके बाद में मृतिका की उपस्थिति के कारण ही मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, कारण हमने पढ़ा है क्यों होती है। उसके बाद में मृतिका के कारण ही धनायन विनिमय क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके साथ ही मृतिका के कारण ही मृदा में बंधक प्रभाव आता है, जिससे मृदा की जो बालू मृदा है उसकी भौतिक दशा भी क्या होती है, सुधरती है। उसके बाद में पोषक तत्वों के अधिशोषण की बात करें, मृतिका का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण धनायन अधिक मात्रा में अधिशोषित होते हैं, इस कारण मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, ये तो थे हमारे पास में सिलिकेट मृतिका का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में कार्बनिक मृदा कोलोइड्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बनिक मृदा।